प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी श्रोताओं को पास्का पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। सारी दुनिया में आज पास्का पर्व मनाया जा रहा है। ईसाई धर्मावलंबी प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान की याद करते हुए खुशियां मना रहे हैं। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ईसाई धर्म की नींव है और इस सत्य को हर ईसाई मानता है, विश्वास करता है, उसकी आस्था का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। संत पौलुस कहते हैं, यदि प्रभु यीशु जी नहीं उठते तो उनका तो ईसाई धर्म ही नहीं रहता, ये धर्म खोखला होता। इसका मतलब प्रभु यीशु का पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक घटना है, सत्य है। ये कोई कल्पना नहीं या कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की बात है। प्रभु ये सभी ईसाई मानते हैं कि प्रभु यीशु इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करते हुए आए। इस दुनिया में वे 3 साल प्रवचन देते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, चंगाई करते हुए उन्होंने ये 3 साल बिताए और उसके बाद वे क्रूस पर चढ़ाए गए, क्रूस पर मर गए। ईश्वर के विधान के अनुसार प्रभु यीशु को क्रूस पर मरना अनिवार्य था, लेकिन मरने के बाद वे 3रे दिन जी उठे। ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये इसकी गवाह वहां के उस समय के लोग ही देते हैं। यहूदियों ने और अन्य लोगों ने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाह दी और अनेक लेखकारों ने उसे अपने लेखनों में लिख रखा है। हमारे सामने हैं मत्ती, जिन्होंने सुसमाचार लिखा और 18वें अध्याय में वे कहते हैं, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हो, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहां नहीं हैं, वे जी उठे हैं। उसी प्रकार मार्कुस भी अपने सुसमाचार में लिखते हैं, 16वें अध्याय में, एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ था, उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नाजरी को ढूंढ रही हो, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे जी उठे हैं। और एक गवाह है लूकस, जो उस समय एक वैद्य था, दवाइयां देता था। उसने भी अपने लेखक में, सुसमाचार में लिखा, जिसे हम 24वें अध्याय में पाते हैं, आप लोग जीवित को मृतकों में से ढूंढते हो, वे यहां नहीं हैं, वे जी उठे हैं। इस प्रकार इन तीनों सुसमाचारकों ने यह कहा कि स्वर्ग दूतों द्वारा स्त्रियों से यह कहा गया कि प्रभु यीशु जी उठे हैं। योहन उसी बात को एक अनोखे तरीके से लिखते हैं। उनके लिए खाली कब्र एक गवाह है, साक्षी के रूप में है। तो जब पेत्रुस और योहन कब्र के पास पहुंचे तो उन्होंने झुक कर देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वो भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और ईसा के सिर पर जो अंगोचा बंधा था वो पट्टियों के साथ नहीं, बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ है, अलग पड़ा हुआ है। तब
वो दूसरे शिष्य भी दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया, उसने देखा और विश्वास किया। तो इस प्रकार अनेक लेखककारों ने इस बात को अपने लेखनों में लिखा है और यह आज हमारे लिए एक गवाह है। साथ साथ प्रेरितों के कार्यकलाप में भी हम बारंबार इसी बात को दोहराए हुए देखते हैं, सुनते हैं। तो इस प्रकार आज जो पुनरुत्थान का पर्व हम मना रहे हैं, ये कोई कहानी या कल्पना नहीं बल्कि विश्वास की बात है, ऐतिहासिक सत्य है। आज जब हम इस पर्व को खुशियों के साथ मना रहे हैं तो हम सबों का फर्ज बनता है कि हम भी एक अच्छे जीवन द्वारा ईश्वर में विश्वास करें जो हमारा मुक्तिदाता है। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें अपने पुनरुत्थान द्वारा एक नए जीवन में प्रवेश करने का सौभाग्य दिया है। हम सभी मरने के बाद जी उठते हैं और स्वर्ग लोक में ईश्वर के साथ पुनरुत्थान के जीवन में भागी होते हुए उस जीवन में हम भागीदार होते हैं जो प्रभु यीशु का पुनर्जीवित जीवन है। धन्यवाद।